मैंगो लाभा केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पके हुए मैंगो लिया है, उसको ऐसे कट कर लिया है, उसको अब ग्राइंडर में डाल के उसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम ऐसे एक पैन ले लेंगे, गैस को ऑन करेंगे, अपना मैंगो प्यूरी को पैन में डालेंगे, तो कंटिन्यू ऐसे चलाते हुए हम 5 से 7 मिनट के लिए उसको मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा पकने देंगे। तो 5 मिनट के बाद हमारा मैंगो प्यूरी अब अच्छे से स्मूथ हो गया है, हल्का सा शाइनी कलर भी आ गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और प्यूरी को ठंडा होने देंगे। अब ऐसे एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें नमक बिछाएंगे, उसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे और कवर करके गैस को ऑन करके 10 मिनट के लिए उसको प्री हीट होने देंगे। ऐसे कटोरी ले लेंगे जिसमें हम केक बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा ही हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल को अच्छे से कटोरी के चारों तरफ हम ग्रीस कर लेंगे। अब ऐसे एक बटर पेपर लेके उसके अंदर रखेंगे, उसके ऊपर भी ऑयल ग्रीस कर लेंगे। हमारा मोल्ड अब रेडी हो गया है। हम ऐसे एक बाउल ले लेंगे, उसमें एक कटोरी हम मैदा लेंगे, 1/2 कटोरी पाउडर शुगर लेंगे, 1/2 कटोरी कोई भी कुकिंग रिफाइंड ऑयल लेंगे, 1/4 कटोरी कंडेंस मिल्क। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है, दूध को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। हमें ऐसे ही बैटर चाहिए। अब हम उसमें जो मैंगो प्यूरी बना के रखा था उसको डाल देंगे, उसको भी अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। ये बैटर अब हमारा रेडी हो गया है। ये बैटर को रेडी करने के लिए मुझे लगभग 1/3 कटोरी दूध लगा है। अब हम उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच वेनिला एसेंस। इन सारी चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। आप चाहे तो बैटर में कोई भी येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अपना रेडी किए गए मोल्ड को ले लेंगे, बैटर को फिल कर लेंगे। बैटर को हम आधा ही फिल करेंगे, नहीं तो हमारा केक फूल के बाहर आ जाएगा। डार्क चॉकलेट लिया है 4 से 5 पीस, उसके अंदर डाल देंगे इसे। थोड़ा सा नीचे प्रेस कर लेंगे, ऊपर थोड़ा सा और बैटर डाल देंगे। हमारा कढ़ाई भी अब अच्छे से प्री हीट हो गया है। अब हम कवर को हटाएंगे, अपने केक को जेंटली इसमें प्लेस कर देंगे, तुरंत ही कवर बंद कर देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम में करेंगे, मीडियम फ्लेम में 15 से 20 मिनट के लिए उसे बेक होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, केक अब अच्छे से बेक होकर रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और केक को निकाल के उसको ठंडा होने देंगे, फिर उसको डीमोल्ड करेंगे। मैंगो ले लेंगे, उसका छिलका निकाल देंगे, ऐसे पतला पतला स्लाइस कर लेंगे। ये देखिए हमारा केक अब ठंडा हो गया है। अब हम उसको डीमोल्ड कर लेंगे। ऐसे एक प्लेट ले लेंगे, हमारा केक कितना स्पंजी बना है। अब उसके ऊपर 1 चम्मच ऐसे क्रीम डाल देंगे और अपने स्लाइस मैंगो को के ऊपर ऐसे सजाएंगे। ऐसे रोज शेप दे देंगे। हमारा मैंगो लाभा केक बनके पूरी तरीके से रेडी हो गया है, सुंदर दिख रहा है। इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इसके अंदर से कितना अच्छा चॉकलेट निकल रहा है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप इसको घर में जरूर एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।